मुरादाबाद के सिविल लाइन्स स्थित महाराजा अग्रसेन इंटर कॉलेज में राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति का जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुरादाबाद जिले के 316 छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में विभिन्न विद्यालयों के कक्षा 8 में पढ़ने वाले छात्र ने प्रतिभाग किया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आगामी 13 नवम्बर 2022 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा के संबंध में छात्रों को प्रशिक्षण देना था कि किस प्रकार से और किन किन विषयों की कितने समय की परीक्षा होगी। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिला मनोविज्ञान केंद्र के डॉक्टर कुमार मंगलम द्वारा छात्र छात्राओं को इस परीक्षा के बारे में विस्तार से बताया गया। उन्होंने आगे कहा कि इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए छात्रों को प्रत्येक प्रश्न को अटेंड करना चाहिए और गणित विज्ञान सामाजिक विज्ञान व रीजनिंग की अच्छी तरह से तैयारी करनी चाहिए। प्रधानाचार्य मेजर राजीव ढल द्वारा छात्र छात्राओं को बताया गया कि इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने के पश्चात विद्यार्थियों को 1000 रुपए प्रतिमाह 4 वर्षों तक मिलेगा। इस प्रकार उन्हें कक्षा 9, 10, 11 व 12 में 12000 रुपए प्रतिवर्ष की दर से कुल 48000 रुपए प्राप्त होंगे। सरकार द्वारा छात्र छात्राओं के आर्थिक सहयोग के लिए छात्रवृत्ति को शुरू किया गया है कि उनके आर्थिक संसाधनों की कमी उनकी पढ़ाई में बाधा ना बन सके। राज्य सरकार व केंद्र सरकार द्वारा अनेक योजनाएं छात्र छात्राओं के हित के लिए बनाई गई हैं। छात्रों को उनका लाभ उठाकर अपना भविष्य बनाना चाहिए। प्रमोद सिंह द्वारा गणित विषय की बारीकियों के बारे में छात्रों को बताया गया। थोड़ी सी ट्रिक और फॉर्मूले को याद करके आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। 48000 रुपए की कुल धनराशि प्राप्त। ध्यान रखना है सिर्फ फॉर्म भरा है, आप लोगों ने फॉर्म भी भरा है, बहुत अच्छी बात है। प्रशिक्षण लेने आए हैं उससे भी अच्छी बात है, लेकिन सबसे अच्छी बात तब होगी जब आप परीक्षा देने के लिए भी समय पर पहुंचेंगे। परीक्षा देना भी उतना ही जरूरी है जितना फॉर्म भरना और प्रशिक्षण को प्राप्त करना, क्योंकि अगर परीक्षा नहीं देंगे तो इसकी स्कॉलरशिप आपके खाते में नहीं आ पाएगी। इसलिए बहुत ध्यान से आपका प्रशिक्षण लेंगे, आपके विद्वान शिक्षण गण आपको कुछ ऐसे टिप्स बताएंगे, ट्रिक्स बताएंगे, टैक्टिक्स बताएंगे, जैसे कि आप फिंगर टिप्स से पे अपने सारे जो भी चीजें होगी आराम से सब प्रश्नों को हल कर पाएंगे, विशेषकर गणित और विज्ञान के संदर्भ में। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा प्रश्न पत्र के बारे में, हालांकि आपके शिक्षकों ने बता भी दिया होगा, थोड़ा सा शिक्षण में आपको पता भी चलेगा। आपके कुल 180 प्रश्न आएंगे जिसके हल करने के लिए आपको 3 घंटे का टाइम मिलेगा। ये भी 2 क्वेश्चंस में होगा। पहला क्वेश्चन सामान्य मानसिक योग्यता का होगा, उसके लिए आपको 1.5 घंटे का समय यानी कि 90 मिनट का समय मिलेगा और 90 ही प्रश्न होंगे, यानी कि कुल एक प्रश्न के लिए 1 मिनट का टाइम। तो ये ध्यान रखेंगे कि 1 मिनट से ज्यादा किसी भी प्रश्न पे समय ना गवाएं, क्योंकि फिर अगर 1 मिनट से ज्यादा टाइम लगाएंगे तो दूसरा प्रश्न आपसे छूट जाएगा। 1.5 घंटे के बाद आपको दूसरा प्रश्न पत्र हल करना होगा, इसमें 3 खंड होंगे, इसमें सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और गणित। सामाजिक विज्ञान और विज्ञान से 35-35 क्वेश्चन होंगे और गणित से 20 क्वेश्चन। यहाँ भी कुछ ध्यान रखने वाली बात है, जैसे महेंद्र सिंह द्वारा सामाजिक विज्ञान से संबंधित प्रश्न की जानकारी दी गई। परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा की गई। ऋतिक सैनी ने रीजनिंग के बारे में छात्रों को बताया। नाजिया परवीन ने छात्रों को विज्ञान विषय की जानकारी दी। छाया सैनी ने परीक्षा से संबंधित समस्त जानकारी छात्रों को दी। कार्यक्रम का संचालन मोनिका शर्मा द्वारा किया गया। इस मौके पर अंजू आर्या, अरुणा ए, अनुश्रिता टोट, मीनाक्षी सक्सेना, अंकिता यादव, नीरज कुमार मिश्रा सहित बड़ी संख्या में शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद रहे। आज महाराजा अग्रसेन इंटर कॉलेज मुरादाबाद में राष्ट्रीय आय एम योग्यता आधारित इसका परीक्षा का यहाँ पर आज प्रशिक्षण दिया जाएगा छात्रों को, जिसमें मुरादाबाद में जो है स्कॉलरशिप इस प्रकार की मिलती है इन छात्रों को। सरकार के द्वारा क्या है कि प्रति अगर इस 8वीं कक्षा के इसमें छात्र प्रतिभाग कर सकते हैं, 8वीं कक्षा के छात्र अगर इस परीक्षा को पास कर लेता है तो वो उसे प्रतिवर्ष 1000 रुपये प्रति माह के हिसाब से 4 वर्षों तक मिलेगा, मतलब 9वें, 10वें, 11वें, 12वें में उसे 4 सालों तक 12-12000 रुपये प्रतिवर्ष, तो टोटल 48000 रुपये उसे स्कॉलरशिप के रूप में प्राप्त होंगे। तो इसमें 1800 लगभग मुरादाबाद में इस बार छात्रों ने बड़ी संख्या में फार्म भरे हैं स्कॉलरशिप का, उसका इन छात्रों को आज प्रशिक्षण का कार्यक्रम आज महाराजा अग्रसेन इंटर कॉलेज मुरादाबाद में दिया जा रहा है, कि जिससे इन्हें परीक्षा जो इनकी 13 तारीख को होने वाली परीक्षा है, 13 नवंबर को इनकी परीक्षा होनी है, उसमें किसी प्रकार की इन छात्रों को असुविधा ना हो, उसे असुविधा से बचाने के लिए इन छात्रों को आज यहाँ पर महाराजा अग्रसेन इंटर कॉलेज में प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया है।